लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद बनी पूरी ओबीसी सूची को रद्द करने का आदेश दिया है, जिसके चलते करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के आसार हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले पर टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठी हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार को खरदा रैली में कहा, मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करती हूँ। जिसने भी फैसला दिया है मैं नाम नहीं लूंगी। फैसले के बारे में तो यही कहा जा सकता है, ये बीजेपी का फैसला है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी आरक्षण चल रहा है, जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत ओबीसी की नई सूची तैयार करनी होगी। अंतिम अनुमोदन के लिए सूची को विधानसभा से अनुमोदन लेना होगा। जज तपव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दे दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण जारी है और जारी रहेगा, आरक्षण को इस तरह से रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस फैसले को बीजेपी का फैसला बताकर इसकी आलोचना भी की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 से राज्य के सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। बंगाल की सीएम ने कहा कि आज मैंने सुना कि एक न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है जो पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं। इस फैसले से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा। भाजपा की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा कि ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूँ। जब बीजेपी की वजह से 26,000 लोगों की नौकरियां गईं, तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही मैं आज कह रही हूँ, आज का आदेश नहीं मांगती हूँ। ओबीसी आरक्षण जारी है, जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। उन्होंने कहा, वे मुझे नहीं जानते, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। मुसलमान अनुसूचित जाति के लोग नौकरियों में हिस्सेदार क्यों नहीं होंगे, वे उतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये फैसला नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए है। वो जो कहते हैं कुछ लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि राज्य की सरकार छीन ली जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। मुझे जहां तक जाना है मैं जाऊंगी। मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करती, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। कानून भेदभाव नहीं करता है। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वो कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं, इसीलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे।